हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ए के सी कैट कैमन प्रोग्रामिंग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक सॉलिड वर्क्स के बिगनर के लिए। हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो आज हम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें पार्ट मॉड्यूल में जाना पड़ेगा। पार्ट मॉड्यूल में जाते हैं, यहाँ पे मैं फ्रंट पेन चूज़ कर लेता हूँ। उसके ऊपर अब हम स्केच करेंगे। ओके, तो स्केच हमारा कुछ इस तरह से है। इसी वीडियो के अंदर आपको मैं ड्राइंग भी इसकी प्रोवाइड करवा दूँगा, जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमारा एक एल शेप का स्केच है, जिसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। डायमेंशनिंग रहेगी 57 और ये रहेगी 72, और जो थिकनेस है वो रहेगी 12 के करीब। यहाँ पे भी हम इसको 12 कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके करते हैं। इसको एक्सट्रूड किया जाए। यहाँ पे हम ब्लाइंड के अंदर इसकी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 110, 110। ओके, तो हमारे पास इस तरह से एक बॉडी हमारे पास बन गई है। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास फीचर है, वो हम डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए हमें सेंटर में एक मिड पॉइंट पे एक सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका डाया 30 रहेगा। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सेंटर लाइन की, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये जाएगा एकदम एंड पॉइंट तक। इसकी वैल्यूज फ्रंट सेंटर से हमारे पास है 25, और यहाँ की वैल्यू जो है हमारे सेंटर से वो है 20। और ये चीज़ हमारे पास जो फ्लेंच है वो रहेगी 10 की। साथ में हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं, ये रहेगा 11। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बन गई है। इसको मैं मिरर कर लेता हूँ। कौन कौन सी चीज़ें मिरर करनी है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको हम कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपर पोर्शन जो है उसको ट्रिम कर देंगे। तो हमारे पास एक शेडेड कंटूर आ गया है, तो हम इस शेडेड कंटूर को ओके करके इसमें हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एक्सट्रूजन की। तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो वैल्यू हमारे पास रहेगी 23 की। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ एक कट हम यहाँ पे बनाएंगे। कट जो है हमारे पास उसमें हम यूज़ करेंगे, अब देखिए हमें इसको यहाँ से थ्रू आउट काटना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कन्वर्ट एंटिटी कमांड का, जिससे हमारे पास ये एज ही स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको हमें बार बार स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सट्रूड कट कमांड है, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा हमारे पास 6, सेंटर लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस साइड को रहेगा 30, एक इसको चेंज कर लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास सॉलिड हो चुका है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी एक लाइन है, इसको डायमेंशनिंग करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ है 30, और टोटल हमारे पास 60 का है। और इसके बाद इसकी हाइट हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि है 6। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं हो चुका है। अब इसको हम थ्रू आउट जो है एक्सट्रूड कर
कट कर देंगे, ओके। देन वी हैव टू अप्लाई सम फिलेट्स, तो हर एक कॉर्नर पे हमारे पास दी हुई है। इस फिलेट की वैल्यू हमारे पास है 12, तो हम उसको 12 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, ओके। अब इसके बाद हमारे पास कुछ होल हैं, तो होल हमारे पास थ्रू आउट हैं, तो होल की कमांड भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं होल की कमांड में जाऊँगा, होल विजार्ड में। सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन देखते हैं, पोजीशन में हमें इसके ऊपर हमें ये बनाना, तो एक पॉइंट मैं कर देता हूँ इसके सेंटर पे, जैसे कि आप देख सकते हैं एक यहाँ पे और एक इसके सेंटर। तो टाइप में जाते हैं, टाइप में होल, इसमें हम मेट्रिक होल्स डिफाइन करते हैं, और होल के साइज़ जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, कस्टम साइजिंग शो कर लेते हैं। तो होल का डायामीटर जो है यहाँ पे हमारे पास है वो रहेगा 12 का, और ये थ्रू आउट होल हमने ये होल कर दिए हैं। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से होल विजार्ड में जाके यहाँ पे कर सकते हैं होल, यहाँ पे भी हम करेंगे। एक होल हमारा रहेगा इसके सेंटर पे, एक हमारा रहेगा इसके सेंटर पे, और इसको हम सिंपल होल हैं 12 साइज़ के वो हम कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये हमारा बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है। तो इसमें हमने कौन कौन सी कमांड यूज़ की वो देख सकते हैं आप। हमने एक एक्सट्रूजन कमांड यूज़ की, जो एक्सट्रूड कमांड होती है, उसके बाद हमने एक्सट्रूड कट यूज़ किया, उसके बाद फिलेट यूज़ किया, उसके बाद हमने होल्स यूज़ किए, और उसके अलावा हमने स्केच में कन्वर्ट एंटिटी और इस तरह की कमांड्स जो है वो यूज़ की है, जिससे हमारी ये एक्सरसाइज कम्प्लीट होती है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज और भी हम वीडियोस डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि आप घर बैठे ही सॉलिड वर्क्स के जो हैं लेसन पा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।